Assalamualaikum मेरे प्यारे से दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, लशपश होंगे और फिट ही होंगे। खैर, आज इस वीडियो में आप सब दोस्तों को एक बार फिर से वेलकम है। वीडियो है टुकाई। तो आज हम टुकाई करने जा रहे हैं राखी सावंत के। तो राखी सावंत क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते, वो आज हम सब अपने आंखों से देखेंगे और इसकी टुकाई भी करेंगे। तो आइए इंजॉय करते हैं वीडियो को। टांडव डांस है, कहाँ है, यमराज के वहाँ इंद्रलोक में, इंद्रलोक आप अप्सरा हो ना? नो 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 नो, इंद्रलोक यमलोक। आज यमराज की जान लेने जा। आज मैं और प्रीति यमराज की जान लेंगे और ईशान क्या लेंगे आप यमराज की? तो मोहतरमा, इंद्रलोक से आ चुकी है धरती लोक पे और ये जा रही है अहम लोक पे और मिलने जा रही है यमराज जी से। अब यमराज भी सोचेगा कि ऊपर वाले ये तूने क्या बनाया और कहाँ पे बनाया और क्या सोच के बनाया। और ये यमराज जी को मारने जा रहे, वहाँ पे तांडव करेगा। अरे मैडम, इसे तांडव नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं मुजरा। तो वहाँ पे मुजरा करने जा रही है और तेरे मुजरा देख के बाकी जो लोग हैं उसकी तो ना मतलब लग गई क्या रास्ते। और बाकी दूसरे से पूछ रही है, और तो क्या लगी यमराज की? वो तो यमराज कहेगा कि ये क्या लेगा मेरा, और सबसे पहले तू यमराज की ले ले वो बड़ा सा गदा अपने सर पे। माइक टायसन, पेट में मेरी पॉटी भी अटक गई है। आई फील तुम जब तक नहीं आओगे तब तक मेरी पॉटी भी नहीं आने वाली है। व्हाट्स रॉन्ग विद मी? आई एम इन लव। माइकी, तुम्हारा जादू मुझ पर चल गया है लेकिन तुम्हारा जादू मेरे पेट पे नहीं चला। पॉट इज नॉट कमिंग बेबी, पॉट इज नॉट कमिंग। व्हेन यू कमिंग देन पॉट इज कमिंग, व्हेन यू कम देन पॉटी कम। अब मैडम जी की पोटी पसी हुई पेट में। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पोटी है वो पेट में नहीं फंस जाती, वो गांड में फंस जाती है। उसके लिए किसी बॉक्सर की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके लिए पड़ती है जमाल कोटे की। वो कहो इतनी पोटी करो कि बस पोटी ही पोटी, क्योंकि तू है एक बुलशिट गद्दे की पोटी हो। और आए मंडला बाथरूम में बैठ के ऐसे कौन सिंग करते हैं यार, मतलब ये देखे ना कसम से मेरा भी बंद होने वाले हैं पोटी, कसम से। Hi friends, I'm your one and only Rakhi Sawant. And look at me, what am I wearing today? Yes. पता मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ ताज लैंड सैंड। हाँ, कौन आ रहा है? मेरे सपनों का राजकुमार आ रहा है। कौन? माइक टायसन। और मैं उसे मिलने जा रही हूँ। आप लोग आ रहे हो क्या? ताज लैंड सैंड आ रहे हो क्या? अब मोहतरमा की पोटी तो निकल गई क्योंकि माइक टायसन साहब ने इसकी गांड में 2-3 मुक्के मारे और इसकी पोटी तो खैर निकल गई। और अब ये जा रही है माइक टायसन से मिलने, वो भी कहाँ पे? लैंड सैंड में। अरे अगर किसी को इस जगह का पता है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि मैंने पहले इस जगह का नाम कभी नहीं सुना। क्योंकि ऐसे जगह ऐसे ही लोग जाते हैं जिन्हें जरूरत है लैंड ही की, क्योंकि लैंड सैंड में तो लैंड ही होता है ना, बाकी तो कुछ नहीं होता। और अब ये उस पे चारे से मिलने जाए। अरे माइक भैया मत आना, क्योंकि अगर आप आ गए ना तो ये देख के आप यहीं पे मर जाओगे। माइक टायसन, आई कांट स्लीप, आई एम सो क्रेजी अबाउट यू। अरे हमरा माइक टायसन वहां आवत है। अरे तुम कहाँ हो माइक टायसन? हुआ तो हार बिना ना हम खावत है, ना हम सोवत है और ना हम टट्टी करत। अरे यार कसम से ऐसे कौन करता है? माइक टायसन हुआ अवत है मेरे, पता नहीं क्या माइक टायसन हुआ अवत है और तेरी गांड मारत है ताकि तू नेक्स्ट टाइम ऐसे तू मत कर। अरे तू राखी नहीं, तू एक बाकी समझ जा। अरे राखी तो मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है, पर तू राखी नहीं
एक और सावंत है जो आर से ही शुरू होता है, आर सावंत है। बाकी लोगों आप बहुत ही अच्छे से समझदार हो, उम्मीद करता हूँ कि माइक टायसन इसके लिए जरूर आएगा और इसकी गांड जरूर मारेगा। आई लव हर, इतनी ब्यूटीफुल आईज है, तो उन्होंने अपनी आंखें डोनेट करी हैं। बहुत सारे लोग, कुछ लोग आंखों को डोनेट करते हैं, या कुछ लोग लंग्स को डोनेट करते हैं, कुछ लोग किडनी डोनेट करते हैं। कितने अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। तो मैंने, हर कोई समाज सेवा कर रहा है और मेरा दिल ऐसा लग रहा है कि वाह, इतने लोग अच्छे, इतना एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा सा प्यार बांटूं। तो मैंने ये सोचा है कि मैं भी इस दुनिया में किसी न किसी को कुछ डोनेट करना चाहती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि मेरे पास और तो कुछ है नहीं इस बुक्स के अलावा, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बुक्स जो है, कैन यू सी दिस, ये मैं अपने बुक्स जो है इसे मैं डोनेट करना चाहती हूँ। मैडम जी, सबको पता है दुनिया में बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, पर तेरे जैसे गंदे लोग भी हैं, और तेरा प्यार नहीं हवस है, तू मत बांटो। और तेरे पास जो बांटने के लिए है वो ये तेरे दो दो अनमोल रत्न है, ये जो जले हुए टोस्ट हैं, ये जो प्लास्टिक की बने हुए हैं, ये अगर किसी को भी डोनेट कर दी तूने, वो तो कैंसर से मरेगा मरेगा, सबसे पहले इस बवासीर की बीमारी से मरेगा। तो बस आप हम सब पे मेहरबानी करें, आराम से बैठ जाए, हमें भी आराम से बैठने दीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की टुकाई आप सब दोस्तों को पसंद आ गया होगा। अगर आ गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टुकाई में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, आबाद रहे, और स्पेशली सफाई का ज़रूर ख्याल रखिए। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।